मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 यानी कब होंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव, कब लगेगी विधानसभा की आचार संहिता। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव 2020 के ताजा अपडेट के विषय में। क्या आपकी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, आपको बता दें कि कब होंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव और कब से लगेगी विधानसभा की आचार संहिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 27 सीटों पर उपचुनाव अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग 15 सितंबर के बाद कभी भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर सकता है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही उपचुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव प्रचार से लेकर मतदान केंद्रों तक के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल घोषित किया है, जिसके तहत ही पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 27 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए ज्योतिराज सिंधिया की इज्जत दांव पर लगी हुई है। हालांकि सरकार बनी रहने के लिए बीजेपी को केवल 9 सीटों की जरूरत है। वर्तमान में उसके पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस को अगर वापस सत्ता में लौटना है तो उसे सभी 27 सीटें जीतनी होंगी, जिसकी संभावना न्यूनतम है। हालांकि कांग्रेस इस बात की उम्मीद कर रही है कि यदि वह ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है तो एक बार फिर सपा बसपा और निर्दलीय विधायक उसका दामन थाम सकते हैं।